आगरा में तेजी से चल रहे मेट्रो रेल कार्य का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव आज ताजनगरी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले टीडीआई मॉल से शुरू होने वाले रेलवे ट्रैक और निर्माणाधीन कई मेट्रो रेल स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। आगरा में तेजी से चल रहे मेट्रो रेल कार्य का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव आज ताजनगरी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले टीडीआई मॉल से शुरू होने वाले रेलवे ट्रैक और निर्माणाधीन कई मेट्रो रेल स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही पीएसी मैदान पर तैयार हो रहे मेट्रो ट्रेन डिपो का भी दौरा कर जायजा लिया। बाद में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तेजी के साथ ट्रैक का काम शुरू हो चुका है, साथ ही अंडरग्राउंड का भी काम शुरू होने जा रहा है। शुरू हो गया है, वो टीम भी यहाँ पर है, धीरे से ट्रैक्शन वाले भी आएंगे, वो सारे काम हमारे शुरू होंगे। और जो आगे वाला पोर्शन है अंडरग्राउंड, उसको अभी मैं इसके आगे देखने जाऊँगा, तो उसकी भी हमको लैंड्स मिल गई हैं। अब हम उस काम को आगे शुरू करना है हमको जल्दी से, तो कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए भी आज मोबिलाइज़ किया है हमको, वो आए हैं, उनका ऑफिस सेटअप है, प्लस हमें अपनी लोकेशन जो उनको देनी है। कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रैल में मैं एंड की तरफ उसका जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है, जिसको डायफ्राम वॉल कहते हैं, पहली वॉल जो बनती है, उसको आप फोर्स कर रहा हूँ कि वो किस तरह, मैं थर्ड वीक बोलता हूँ तो एंड ऑफ फर्स्ट, हालांकि बड़ा अनरियलिस्टिक सा है, लेकिन फिर भी मैं उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंडरग्राउंड कितना समय चाहिए? अंडरग्राउंड विल टेक टाइम, मतलब मिनिमम 3 ईयर्स, बहुत लंबा काम है ये अंडरग्राउंड बनाना भी, स्टेशन पूरा और टनलिंग, और प्लस टनलिंग के साथ फिर सारा काम सिस्टम्स का अंडरग्राउंड, वो काम भी बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एलिवेटेड टेक्निक के इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर हम लोग स्टेशंस तो कट एंड कवर में करेंगे, मतलब एक्सकेवेशन करेंगे और स्टेशन बनाएंगे, लेकिन वो भी कट एंड कवर वैसा नहीं है। जब आप शुरू होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो स्टेशन टॉप डाउन होता है, मतलब सबसे पहले ऊपर, जैसे लोग नीचे से शुरू करते हैं, गड्ढा खोद के नीचे से करना शुरू करते हैं, मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, तो आप सबसे पहले टॉप डाउन वर्क करेंगे, फिर हम उसके कॉन्कोर्स लेवल, फिर प्लेटफॉर्म लेवल, थोड़ा सा डिफरेंट है। और टनल जो है वो टनल बोरिंग मशीन के थ्रू है। कब तक उम्मीद की जा सकती है? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अंडरग्राउंड का शुरू भी नहीं हुआ, अप्रैल अभी शुरू होगा हम लोग, तो एक बार अंडरग्राउंड का वर्क, क्योंकि उसमें हमको क्लियरेंसेस चाहिए थी, वो मिल गई, फिर हमने टेंडर फाइनल किया, नाउ दिस एजेंसी हैज़ कम, और अब हम इसको शुरू करेंगे। एक बार शुरू होगा फिर उसको एक्सपेक्ट करेंगे। फतेहाबाद रोड पर कब तक चालू हो सकता? देखिए, फतेहाबाद रोड पर मेट्रो 3 किलोमीटर में चलाने का तो कोई मतलब नहीं होता। उसका दूसरा रीज़न ये है कि जो RDSO को ट्रायल के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ट्रायल करने होते हैं, उसके लिए उनको मिनिमम 6 किलोमीटर की लेंथ चाहिए, तो 6 किलोमीटर जब हम पहुँचे तो हम जामा मस्जिद तक पहुँच जाते हैं, इसलिए वो 3 अंडरग्राउंड स्टेशन हमारे लिए क्रूशियल। बट मैं ये अश्योर कर सकता हूँ, एक बार मुझे स्टार्ट करने दीजिए, फिर आप देखेंगे वो भी जल्दी जल्दी खिसकना शुरू होगा। रेल लाइन जो बिछाई जा रही है उसमें किस तरीके से रेल लाइन का तैयारी की जा रही है? देखिए, जो अभी तो आप डिपो में हम लोग रेल वेल्ड कर रहे हैं, अभी थोड़े दिन में हम ऊपर भी चले जाएंगे, इसके ताजी स्केट और बसई रोड के ऊपर ले जाएंगे रेल। ये हमारा ट्रैक जो है डिपो में तो बैलास्ट वाला ट्रैक है, मतलब जैसा पत्थर का ट्रैक होता है, जैसे भारतीय रेल में होता है, जैसा हम सबको मालूम है। बट ये जो वायाडक्ट पे एलिवेटेड ट्रैक है वो पूरा बैलास्ट है, मतलब उसमें पत्थर नहीं है, उसका डिफरेंट फासिंग है, पूरा कॉन्क्रीट प्लिंथ पे बनी हुई रेल फिक्स्ड है, और वैसे ही टर्नआउट्स हैं। डिपो में भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक है, तो इस तरह से होगा। मैं आपको जैसे से होगा तो नेक्स्ट स्टेज पे आपको दिखाता जाऊंगा कि कैसा डिफरेंट। आपको गुस्सा हो जाएगा कहाँ? गुस्सा तो देखिए आपको आना चाहिए अगर काम तेज़ी से करना है, शांति से बैठ के तो नहीं आया। मेरा पूरा पर्पज़ इंस्पेक्शन का ये है कि जो चीज़ें रुक रही हैं उनको जल्दी किया जाए। जो चीज़ें रुक इसलिए नहीं रही हैं कि वो लोग कर नहीं रहे, बहुत सी चीज़ें इसलिए नहीं होती कि लोग उसका एक काम को करने का एक ही तरीका नहीं होता है, एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, और जो चीज़ रुक रही है हम उससे परेशान ना हो, हम उसके अलावा और क्या कर सकते हैं उसको देखें, उस चीज़ को मैं पकड़ूं। प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने कहा कि अंडरग्राउंड का काम पूरा होने में कम से कम 3 वर्ष का समय लगता है। मेट्रो के कार्य को जल्द पूरा करने के लिए स्टेशन कटिंग कवर में बनाए जाएंगे और टनल का काम बोरिंग मशीन से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएसी मैदान बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन डिपो बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है, और जो काम बाकी है उसे तेजी से पूरा कराया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से सज्जन सागर की रिपोर्ट।